Press the the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार मैं हूँ आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन एल चर्चा ये चर्चा का एक सौ एकवा अंक है हमने पिछले हफ्ते सौवें अंक का जश्न मनाया था और उसमें <laughs> आपने देखा कि रवीश कुमार साथ में थे और वंदना राग थी और हमारे साथ परमानेंट उसके तौर पर मेघनाथ अब चर्चा में रहेंगे मेघनाथ तो ये जो पूरी चर्चा पिछले हफ्ते की रही आपने चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी सोशल मीडिया से लेके तो कैसा रिस्पॉन्स था जब हमने वीडियो पे इसको किया तो वीडियो पे एक्चुअली अभी देख रहा हूँ तो हमारे ऑलरेडी साठ हज़ार यूट्यूब पे आ गए पर वो रविश कुमार का पुल भी है एक्चुअली कुछ भी रविश कुमार का डाल देते तो बस लाखों में चले ही जाता है वो बाय डिफॉल्ट है और एक है कि बेसिकली हिंदी पॉडकास्ट हमारे यहाँ पे ज्यादा है नहीं और ये एक हमारा अटेम्प्ट है कि हम एक हिंदी पॉडकास्ट जो डिस्कशन बेस्ड पॉडकास्ट है उसको आपके आगे लाए और इसलिए हम अब हम ये वीडियो फॉर्मेट में बार बार डाला करेंगे हाँ। ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये भी आपको बता सके की ऐसी चर्चा पॉसिबल भी है <laughs> आजकल की दुनिया में काफी जो रिएक्शन आया लास्ट टाइम वो इसी पे थे कि कितने रेयर चीज है कि अरे चार लोग बैठ के अच्छे से बात कर रहे हंसी मजाक करते हुए शांति से बात कर रहे दूसरे लोगों को बात करने दे रहे तो ये अच्छा है थैंक यू सो मच जिन्होंने भी देखा और, और कुछ बहुत बढ़िया लोगों के जो हमारे श्रोता हैं उनके बहुत बढ़िया मेल आए हैं तो उनको भी एक एक मेल उसको मैं पढ़ूंगा भी बीच में इससे पहले हम जल्दी से मैं अपने जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे परिचय करा दूं हमारे साथ आशीष दीक्षित हैं आशीष बीबीसी मराठी के संपादक हैं स्वागत है आशीष आपका चर्चा में और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक में थोड़ा फंसे हुए हैं तो वो बीच में चर्चा में हमें हमसे जुड़ेंगे और ये पूरा का पूरा जो पैनल है इस बार का पुरुषों वाला पैनल है ऐसा अक्सर होता है क्योंकि कई बार हमने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली कि किसी तरह से इसको जेंडर वो बैलेंस किया जाए लेकिन हम बार बार उसमें असफल रहते हैं तो ये हमारा एक एक खेद है आप लोगों से कि हम इसको कर पाने में असफल रहते हैं जो विषय वो मेघनाथ एक बार बताएं एक कि एक, बार। एक और एक और चीज़ में एक्चुअली हमारे श्रोताओं को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई महिला जर्नलिस्ट इस पैनल पे चाहिए तो फिर आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको आप बुला सकते हैं या फिर कोई गेस्ट आपको किस किसी के किसी से सुनना होगा हिंदी पता हाँ, और श्रोता भी हमारे बता सकते हैं कि करें कि करें कौन जो जरूर रिकमेंड कीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे एक, एक बात मैं भी जोड़ देता हूँ कि हाँ, हम भी बीबीसी में बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे सभी पैनल्स में 50 प्रतिशत महिलाएं लेकिन बहुत प्रॉब्लम आता है स्पेशली लैंग्वेजेस में मतलब हाँ। हिंदी में तो यू you नो know, थोड़ा आसान है मैं दिल्ली हाँ। मुंबई जैसे शहरों में पर अगर आपको मराठी में तेलुगु में तमिल में चाहिए तो और मुश्किल हो जाता है हाँ। बट वी आर ट्राइंग रियली हार्ड हाँ। बट ये हमारे मतलब हमारा जो पूरा का पूरा का स्ट्रक्चर है न्यूज रूम का उसकी भी एक सच्चाई है कि हमें इस तरह के वॉइसिस औरतों के महिलाओं के मामले में खोजना मुश्किल होता है तो बहुत अभी हमें आगे बढ़ना है इस रास्ते पर आप इस बारे में सोच रहे हैं ये देख के भी मुझे बहुत खुशी होगी थैंक यू हालांकि

हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है कि और लोगों को बोला है कि चाइना जाने से चाइना नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत बढ़ रहा है oh. और एक और एक मज़े की बात जो मुझे कल पता चली मज़े की मतलब एक्चुअली बहुत ही अजीब सी बात है पर आ, वो एक हॉस्पिटल बना रहे हैं दो हॉस्पिटल बना रहे हैं वहाँ पे और उसका लाइव स्ट्रीम चालू है उनको वो दस दिन में बनाना है और लाखों लोग देख रहे हो लाइव स्ट्रीम हॉस्पिटल बनते hmm. हुए तो चाइना में ये सिचुएशन है मतलब वो पूरे वॉर फुटिंग पे कोरोना वायरस के बारे में कुछ कर रहे हैं कुणाल कामरा से लेके कंट्रोवर्सी हुई Yes. कल परसों में और आ, आ... स्पाइस जेट गो एयर और दो अदर एयरलाइंस इंडिगो और एक और एयरलाइन ने उनको अभी बैन कर दिया है रेलवे ने भी कोई एडवाइजरी डाला है कि व्यवहार नहीं होने चाहिए और बैलगाड़ी से ही जाना पड़ेगा सर एग्जैक्टली <laughs> <काम्रा को। laughs> exactly. uh, फिर uh, एक... जी जो दिल्ली की ऑटो यूनियन है इसने भी कुछ करना चाहिए शौचालय से भी बैन कर दो उनको <laughs> तो ये एक ये हुआ और एविएशन मिनिस्टर ने एक्चुअली ट्वीट किया और एयरलाइंस को बोला कि उनको बैन करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे एक और है कि अनुराग ठाकुर ने जो नारा लगाया था देश, देश के, के, के गद्दारों को।, को गोली मारो सालों को उस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उनको स्टार कैंपेनर का जो दर्जा दिया गया था उससे हटा दिया गया है और उनको एक रिस्पांस भी देना है थर्सडे दे तक तो वो भी एक डिस्कस करेंगे आम, और प्रवेश प्रवेश वर्मा भी उनके भी अगेंस्ट ई एक्शन ले रही है उन्होंने भी कुछ कमेंट्स किए थे फिर शर्जील इमाम जो जे के एक स्टूडेंट है उनके अगेंस्ट सेडिशन का केस फाइल हो गया है और वो बिहार में अरेस्ट हो गए हैं हाँ। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक फाइनल चीज मतलब प्रशांत किशोर जेडीयू से एग्जिट कर चुके हैं और आ... पवन वर्मा, निकाला निकाला है हाँ। हाँ। वर्मा और प्रशांत किशोर को दोनों को निकाला गया और वो कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी जब नीतीश कुमार ने भी बोला कि प्रशांत किशोर को हमने अमित शाह के कहने पर ही अंदर लिया था तो वो बहुत वो ट्विटर पे ही कंट्रोवर्सी हो गई और वो रियल लाइफ में भी ये हो गया उसका इफेक्ट पड़ गया ये बहुत दिलचस्प विषय है कि एक इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो कि अपनी पार्टी का मुखिया भी है अब वो ये कह रहा है कि मैंने अपनी पार्टी और कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं हुँ. कि आप वो चवन्नी वाला वो कार्यकर्ता नहीं बना रहे आप वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं अपनी जी. पार्टी का वो एक दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, है अमित शाह जो गृह मंत्री गृहमंत्री उनके कहने पर बना रहे जी, तो जी. मतलब जो है कि जो वो सदस्यता अभियान है इस मामले में, में अमित शाह बहुत माहिर हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को बना दिया सदस्यता अभियान के जरिए तो अब उनकी इस प्रतिभा का इस्तेमाल नीतीश कुमार भी कर उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान आउटसोर्स कर दिया है उल्टा लगता है अमित शाह दूसरों की पार्टियों में भी सदस्यता अभियान कर रहे हैं चलो हम इसी पे चर्चा शुरू करते हैं फिर बेसिकली अभी चर्चा

जब इतने बड़े दो नेता पवन वर्मा भी एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने भी वहां पर बातचीत की तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर इतने इस तरह के फोरम का निश्चित रूप से अभाव रहा होगा या फिर इस तरह के क्योंकि ये जो रीजनल पार्टियां हैं ये भले ऊपर से कहती रहें लेकिन इनके अंदर का डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत बहुत कमजोर कमजोर बहुत छोटा होता है तो आ, मुझे नहीं लगता कि इसमें मतलब इतना ज़्यादा स्पेस इन लोगों के पास रहा होगा जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए और दूसरा इस मामले में जेडीयू का जो स्टैंड रहा उस पर मैं आशीष से जानना चाहूंगा कि ये जो स्टैंड है कि सी को लेके लोकसभा में आप कुछ कहते हैं और राज्यसभा में कुछ कहते हैं तो ये जे की अपनी इंटरनल पूरी पॉलिटिक्स के बारे में बताता है कि वो कितना कन्फ्यूज़ है जे बिल्कुल और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बार बार जितनी बार पलटिया खाई है उससे लगता है कि उनका बस एक मकसद साफ दिख रहा है कि मुझे सत्ता में बने रहना है चाहे मैं आरजेडी के साथ जाऊं चाहे मैं बीजेपी के साथ जाऊं कोई भी साथ में मुझे सत्ता में बने रहना है और ये जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन है वो रिफ़्लेक्ट हो रहा है तो जो पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम इस इस आइडियोलॉजिकल इसमें हैं या उसमें है और इसका उसका उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार को शुरू से ही ट्रस्ट का प्रॉब्लम था क्योंकि प्रशांत किशोर कोई यू नो जमीन से ऊपर आए हुए नेता तो थे नहीं प्रशांत किशोर एक खुद की कंपनी चलाते हैं और उन्होंने मोदी को 2014 में जिताया था फिर अभी जगनमोहन को आंध्र प्रदेश जीतने में मदद की थी फिर आदित्य ठाकरे और शिवसेना को सलाह दे रहे हैं फिर स्टालिन को तमिलनाडु में यू नो स्टालिन के साथ चर्चा भी शुरू है तो प्रशांत किशोर एक पार्टी में रहते हुए वो बाहर के भी सभी काम कर रहे थे तो शुरू से उन दोनों में ट्रस्ट का इशू था और उसमें ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन आ गया और फिर मुझे लगता है फिर दोनों में बिगड़ गई बात ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है प्रशांत किशोर जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो एक आईपैक नाम की कंपनी चलाते हैं वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट है तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट जो इंग्लिश में बोलते हैं हम उनको मर्सनररीज बोलते हैं जैसे आप हायर करो उनको और वो आपके लिए काम करेंगे और उन्होंने एक मशीनरी टाइप बना लिए आई पैक के नाम पे जिसमें आप वो उनको हायर कर लो आपको वो सोशल मीडिया में हेल्प करेंगे आपको वो कैंपेनिंग में हेल्प करेंगे प्लानिंग करवा देंगे सब कुछ करवा देंगे आ, तो वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी ने उनके सर्विसेज ले ली आम आदमी पार्टी ने भी उनके सर्विसेज ले लिए अब इस सिचुएशन में अगर ये जे के जो वाइस प्रेसिडेंट नंबर टू है वो वो भी है कि सीधा नंबर टू कैसे बन गए वो भी एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है वो एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी पवन वर्मा ने एक ट्वीट किया था लेटर कि पवन वर्मा ने एक लेटर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार ने अपना ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि अगर वो फॉर है या अगेंस्ट है वैसे नीतीश कुमार के पार्टी ने तो फॉर वोट किया था तो वो भी एक है जो उन्होंने मेंशन किया था। अब इस पे प्रशांत किशोर ने उनका वॉइस ऐड कर दिया था कि हाँ सही है बताना क्या चाहते थे कि उनको अमित शाह के कहने पर पार्टी का मिल लिया गया इससे मतलब इस मैं लोग राजनीति को समझने वाले इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि इससे अल्टीमेटली नीतीश कुमार का क्या गोल अचीव हो रहा था कि एक तो ये डिस्क्रेडिट हो जाएंगे

पर देन ए एन आई ने ट्वीट किया कि ये प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था अब ये दोनों निकल गए बेसिकली <laughs> तो uh, मुझे लगता है इन सब सा, इन सारी चीज़ों को हमें बिहार के चुनाव Election के कॉन्टेक्स्ट में देखना हुँ, चाहिए हुँ, क्योंकि इस साल दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव होने हुँ, वाला हुँ, है।, हुँ. है और बिहार में फिलहाल भाजपा और नीतीश कुमार साथ में है अब अटकले यह है कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे की तरह चुनाव के बाद दूसरी ओर चला पलटी मार, है। मार, सकता। मार सकते। और फिर बीच में किसी ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था कि राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार के बैक चैनल टॉक्स चल रहे वगैरह वगैरह ऐसे माहौल में नीतीश कुमार को यह दिखाना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना भी जरूरी है कि नहीं मैं आप ही के साथ हूं और ये जो सारी अटकलें है ये नहीं है मैं आपके साथ फिलहाल हूं और मैं आपके साथ रहूंगा और दूसरा ये भी है मुझे लगता है कि इस इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें सॉरी इसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि नीतीश कुमार की एक यूनिक पोजीशन है बिहार के पॉलिटिक्स में मुझसे ज्यादा शायद आप बिहार की पॉलिटिक्स जानते पर मुझे जो दिखाई देता है एज एन ऑब्जर्वर मुझे यह लगता है कि नीतीश कुमार छोड़कर बिहार में कोई चीफ मिनिस्टर के पद के लिए उम्मीदवार नहीं है स्ट्रांग कंटेंडर नहीं है फिर चाहे वो आरजेडी हो फिर चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी भी हो पर बीजेपी तो सुशील कुमार मोदी को भी थोड़ा सा वो कर रही है पर पर क्या वो नीतीश कुमार की कद तक पहुंच पाएंगे और दूसरे की अकेले दम पर बीजेपी वहां तक पहुंचने की क्षमता रखती है ये भी बड़ा सवाल है मतलब ऐसे तो ये दोनों को साथ साथ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है विनिंग कॉम्बिनेशन दिखता है ऊपर से लेकिन नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी अकेले तो ऐसा नहीं लगता कि अकेले दम पे सरकार बना के मतलब वरना वो ऑब्वियसली सुशील मोदी के ऊपर दाव खेल सकती थी बड़ा सवाल है कि लीडरशिप का वैक्यूम बिहार में है और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि ये सारी चीजों मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो उन चीजों पे कर रहे हैं जो हमें दिख रही है जो चीजें हमें दिखती नहीं है वो हमें पता नहीं है जैसे मैं मैंने क्योंकि महाराष्ट्र ज्यादा कवर किया मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा कि जब हम बात करते हैं कि एक नेता अचानक मतलब राज ठाकरे है या कोई भी नेता है जो बहुत मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं और फिर एक केस हो जाती है फिर उनकी इंक्वायरी होती है फिर, फिर वो चुप हो जाते, जाते हैं है। फिर चर्चा ये होती है कि क्या बीजेपी के पास उनकी कोई ऐसी फाइलें हैं जिसकी वजह से वो अड़चन में आ सकते हैं और फिर उसकी वजह से वो नेता चुप हो गए तो हमें यह नहीं पता है कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार के खिलाफ क्या है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हाँ, ये, ये पूरा मतलब अटकल हमें है। अटकल अटकलें नहीं करना चाहता लेकिन हुँ। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी चीजें हो सकती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देती और जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है पर हमें पता नहीं है एक और चीज है इसमें मतलब जैसे पवन वर्मा का तो समझ में आता है कि ठीक है पवन वर्मा एक सीजन ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने इस तरह का एक स्टैंड लिया आइए हमारे साथ हर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं और इसके बाद हम अपनी चर्चा को बनाए रखेंगे आ... पवन वर्मा सीजन जी ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उन्होंने उस तरह से अपना एक, एक स्टैंड लिया है या नहीं भी लेते तो समझ में आता था कि उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी प्रशांत किशोर जैसे आदमी के साथ एक दिक्कत है कि प्रशांत किशोर मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन पैदा करते हैं वो किसी भी पार्टी में अगर जाएंगे तो ये जो ट्रस्ट वाली डेफसिट का मामला उनका इनके साथ था नीतीश कुमार के साथ वो उनके किसी के भी साथ रहेगा क्योंकि आप जिस तरह से काम करते या जो आपका काम है और अक्रॉस द पार्टी आप काम कर रहे हैं तो किसी के भी साथ आप मिलेंगे तो बहुत एक क्लोज रिलेशन एक भरोसे के साथ लोग आपसे शेयर करते हैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो टकराएगा कि आप एक पार्टी के प्रतिनिधि हैं और दूसरे पार्टी के लिए आप स्ट्रेटजी बनाने का काम करेंगे तो ये एक हितों का टकराव होगा तो इसलिए प्रशांत किशोर जैसे किसी भी चरित्र को कोई भी राजनेता पूरे भरोसे के साथ स्वीकार नहीं कर सकता हर्षवर्धन जी को इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो निकासी हुई है या जिनको बाहर किया गया है निकाल के पवन वर्मा और हर्ष इनको प्रशांत किशोर को उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है ना कि जब पार्टियाँ कैडर छोड़ के वॉल्टियर की तरफ चली जाती हैं तो चाहे जो पार्टी हो वो आज नहीं तो कल उसको मुश्किल होती है और जो आपने बात कही मुझे लगता है कि अगर जैसे आप अलग अलग काम तय करते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस विद इन पार्टी नहीं आ रहा है वो बाहर से कोई एक आदमी आए और वो तय करे आपकी पार्टी का पॉलिटिकल प्रोसेस रणनीति तो हाँ। सबसे खतरनाक तो वही है मैं खतरनाक कहूंगा वो खराब और आप नहीं है खतरनाक है क्यों क्योंकि एक आदमी आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो कोई भी पॉलिटिकल आप

जब गांधी जी रहे होंगे तो उनके आंदोलन को भी बहुत से लोग उनके पोस्टर बैनर छपवाते रहे होंगे बहुत से लोग उनके लिए कुछ कुछ करते रहे होंगे तो उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला ये आज के समय में मिला तो एक तो ये है कि उस पर चर्चा हो और प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का पार्टी से जाना मुझे लगता है कि कोई उस तरह की खबर नहीं है जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये एक प्रोसेस है जब किसी भी पार्टी में आप एक लेवल के आगे चले जाते हैं और खास करके पार्टी का चीफ ही हो अब कांग्रेस में आप सोनिया राहुल के खिलाफ टिप्पणी करते हुए या भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करते हुए या आप कम्युनिस्ट पार्टी में प्रकाश करात और सीताराम येचुरी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आप उस पार्टी में रहेंगे ये सोचना भी नहीं चाहिए तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिहाज से कोई खबर नहीं मैं इसको आशीष एक आपकी छोटी टिप्पणी इस पर और उसके बाद फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे मुझे लगता है ये जो इन्होंने बात कही वही मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूँगा कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं प्रशांत किशोर जैसे इन कैरेक्टर्स का आज के जमाने में महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह मैं देखता हूँ कि जो छोटी पार्टियां होती है वो इक्विप्ड नहीं है उन्हें नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है तो जब उन्हें कॉम्पीट करना होता है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ तब वो अपाहिज से हो जाते हैं तो वहां पे उन्हें लगता है कि हमें गाइडेंस चाहिए हमें सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी चाहिए हमें ये स्ट्रेटजी चाहिए हमें वो स्ट्रेटजी चाहिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग अहम मतलब यू नो उनका एक रोल होता है पर फिर उन्हें पार्टी में ले लेना और उन्हें फिर इतना इंपॉर्टेंट पद दे देना ये अलग बात है तो मुझे लगता है कि कि नितीश ये कही की नीतीश कुमार ने सभी राजनीतिक जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसको ध्वस्त किया और उसको अब करेक्ट करने की कोशिश कोशिश कर बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तो बात है ये कि जो बदली हुई तकनीकी है बदला हुआ जमाना है उसमें राजनीति के औजार भी बदलेंगे प्रचार प्रसार के भी तो प्रशांत किशोर इस तरह के फिनोमेना की की उपज भी हो सकते हैं या होंगे ही होंगे यू नहीं कोई और होगा यही और, ये, और हाँ। एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम आई थिंक सर ने भी वही पॉइंट आउट किया कि अगर ये एक ऐसा इंसान है जो और पोलिटिकल लीडर्स के साथ भी काम कर रहे हैं तो वहां पे वो फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही जैसे ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहे हैं और, और चूंकि आपने जो कहा <laughs> मैं थोड़ा सा उससे करता हूं कोई भी जो मूवमेंट होता है कोई भी पोलिटिकल प्रोसेस होता है वो हो सकता है कि बेटर इक्विप नहीं हो किसी लड़ाई में लेकिन आप जब प्रशांत किशोर जैसे लोगों को लेकर आते हैं तो जितनी मोटी रकम देते हैं उसमें आप अपने वर्कर्स से अपने कार्यकर्ता से उससे बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं मैं ये मानता हूं और वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स uh, भी हो जाता है ना कि वर्कर्स बोलते हैं कि हम इतने साल दिए और ये कहाँ से आ गए यहाँ पे और, और सीधा वाइस प्रेसिडेंट नेता उसपे और नेता बहुत डिपेंड भी हो जाते हैं अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें मैंने देखा कि इन्होंने अब हर एक बंदे ने कोई ना कोई कंपनी हायर करके रखी है हाँ। और फिर वो बताते हैं कि आपने इस समय पे ये ट्वीट करना चाहिए आपने फिर यहाँ इंस्टाग्राम में इतना खर्चा करना चाहिए फिर आपने ये नारा लेना चाहिए वगैरह वगैरह तो नेता भी उस पर बहुत ज्यादा निर्भर होने लगे हैं आजकल अच्छा है बुरा है पता नहीं पर निर्भर तो पक्का तो, बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि कुणाल कामरा से कॉमेडियन कुणाल कामरा है उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी के साथ एक प्रैंक किया और चलती फ्लाइट में उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की एक वीडियो शो बनाया जिसमें उनका मोनोलॉग था जिसमें वो अर्नअप से कुछ सवाल पूछते हैं लगातार सवाल पूछते हैं तो उसके बाद आ, आ, इंडिगो ने उनको बैन किया और उसके बाद देश के हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिविल एविएशन मंत्री उन्होंने एक ट्वीट किया कि ऐसे अनरूली पैसेंजर जो मतलब ठीक जो बदतमीजी करते हैं फ्लाइट के दौरान ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए और सबको बैन मतलब बाक़ी जो फ्लाइट एयरलाइन कंपनियाँ हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए उसके बाद से एक तरफ से सारीफ़ एयरलाइंस ने कुणाल कामरा को फ़्लाइट के लिए बैन कर दिया और इसके अलावा मेरे ख्याल से केवल एक एयरलाइन कंपनी बची है विस्तारा जिसने अभी तक इस पर कोई अपना विस्तार का एक तो, मतलब अनऑफिशियल सोर्स बेसिकली का स्टेटमेंट आया है कि हम कोई ऑफिशियल कंप्लेंट का वेट करेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे ठीक बात है हाँ तो मतलब ये ऐसा नहीं कि मंत्री जी ने ट्विटर पे कुछ कह दिया और उसको आधार बना के सारे लोग कूद पड़े तो मैं ये कहूँगी ये जो पूरा वाकया हुआ हर्षवर्धन जी उसमें अर्नब गोस्वामी की जो पत्रकारिता है इसके दो पहलू हैं एक्चुअली एक तो ये कि दो सौ लोग एक फ़्लाइट में यात्रा कर रहे हैं और उसमें से किसी के भी पास जाके और किसी को इस तरह से करने लगना एक गलत नज़र आता है लेकिन जब आप अर्नब गोस्वामी हो जाते हैं मतलब आप एक पब्लिक फिगर हैं ये बात पहले तो यहाँ पे इसको साफ़ कर लेना चाहिए मैं कि वो एक पब्लिक फिगर है जो ओपिनियन बनाने बिगाड़ने के खेल में है ऐसे किसी आदमी से किसी तरह इस तरह के से सवाल जवाब करना इन दोनों चीज़ों में अंतर रख कर अर्नब गोस्वामी के साथ जो किया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखिए आपने पहले कहा तो मैं साफ़ करूं पहले कि अर्नब गोस्वामी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राय बनाने बिगाड़ने के खेल में है खेल कोर्ट एंड कोर्ट इस देश में वो खेल बरसों से होता रहा अब अर्नब ने लीड ले ली तो बड़े लोगों को दिक्कत हो रही बड़ी मुश्किल में है वो लोग हम जब किसी के खिलाफ कोई खबर करते हैं चूँकि हम सब पत्रकार हैं किसी पर कोई स्टैंड लेते हैं तो हमें भी तय होता है कि कहाँ तक हमें जाना है लेकिन शायद टेलीविजन ने वो हमारी वो लिमिट और खास करके टेलीविजन को मिल रहे रिस्पांस ने जो टीआरपी मीटर जिसको कहते हैं उस रिस्पांस ने हमारी वो लिमिट हमको भुला दी है और उसका नतीजा है कि एंकर बात करने के बजाय सिर्फ चीखता चिल्लाता है और वो चीखते चीखते अर्नब जैसा कर सकता है क्या यह बात होने लगती तो पहली बात तो मैं उस चीखने चिल्लाने वाली बहस का घोर विरोधी हूं बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें आप देखिए एक घंटे की बहस में आपको दस मिनट के चार तर्क नहीं मिलेंगे किसी भी पक्ष के हों तो मुझे ऐसी बहस पसंद नहीं आती है लेकिन कुणाल कामराज ऐसा कॉमेडियन जो बहुत घटिया दर्जे का कॉमेडियन है जिसकी सारी कॉमेडी किसी की आस्था को चोट पहुंचा के होती है जिसकी हर कॉमेडी की दूसरी लाइन किसी न किसी को टारगेट कर रही होती वो व्यक्ति बात करेगा कि अर्नब गोस्वामी किसी के बारे में राय बना बिगाड़ रहे हैं ये हुआ पहला पहलू दूसरा पहलू जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक स्थल पर हैं आप फ्लाइट यूज कर रहे हैं आप हवाई जहाज़ में चल रहे हैं आप रेलगाड़ी में चल रहे हैं आप बस में चल रहे हैं आपने सारे के सारे यात्रियों की प्राइवेसी को खतरे में डाल दिया और आप इस चीज़ को बड़ी अभी एक आ, मैं रेडियो जॉकीज को बड़ा सुनता हूँ वो सबसे बढ़िया वही कमेंट देते हैं एक ने कहा कि कोई हवाई जहाज़ उड़ना था लेकिन किसी ने चूहा चिल्ला दिया और वो हवाई जहाज़ अगले अड़तालीस घंटे नहीं उड़ा क्योंकि चूहा था वो कुछ भी कर सकता था उसमें गड़बड़ करता तो इतने यात्रियों की जान खतरे में जा सकती है और कुणाल कैमरा जैसा आदमी अगर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और उसके बाद मान लीजिए कि कोई अर्नब गोस्वामी नहीं अर्नब का कोई आज आज के शब्दों में कहीं कोई भक्त होता चार लोग उनके पक्ष में खड़े होते चार लोग इसके पक्ष में खड़े होते और दोनों के पक्ष के लोग पूरे यात्रियों की उनकी यात्रा को उस एयरलाइंस की छवि को सब बर्बाद करके रख देते और तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो फैसला लिया गया है हरदीप पुरी ने कहा वो इशारा किया दबाव बनाया वो एक चर्चा का विषय हो सकता है कि क्या मंत्री को ये करना चाहिए लेकिन जो हवाई जहाज़ में उड़ने के नियम हैं जो बाकायदा नियम प्रिस्क्राइब्ड है बिल्कुल उसके तहत यह कार्रवाई हुई और पूरी तरह से ठीक हुई किसी को दोबारा ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और

तो इसमें एक छोटी सी चीज़ इसको इस तरह से ध्यान रखा जाए कि पत्रकार बतौर पत्रकार आप एक तो होता है पेपराजी जर्नलिज्म की जो हॉलीवुड में होता है कि सेलिब्रिटीज़ के पीछे आपको -कोच के, कोच, कोच के कोच के, 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 के लगातार दौड़ते रहते हैं और वो जो देखा हमने कि प्रिंसेस डायना की मौत हो गई इस सब चक्करों में इन सब बचने बचाने के चक्करों में तो वो एक अलग चीज़ है पेपराजी जर्नलिज्म लेकिन आप ये बताइए कि एक आदमी जो ओपिनियन मेकर है जो हर दिन अपने चैनल पर बैठ के सही गलत की बात से अलग हट इतनी सारी चीज़ें करता है मैं अपने हिसाब से कहूँ तो झूठ फैलाना उसका उसमें प्रोपागेंडा करना उसमें ट्विस्ट करना उसमें हर चीज़ है उसके बाद आप ह्यूमिलिएट करना किसी को क्या नहीं करना ये व्यक्तिगत फैसला कि कौन जाता है वहाँ क्या करने के लिए जाता है ऐसे आदमी को जब हज़ार कोशिशें और कोई तरीका नहीं है एक तरफा वो अपनी बात कहता है अपने चैनल पे अपने मंच पे उससे बात करने की मैं यहाँ पे न्यूज़ लॉन्ड्री रही चूँकि हमारा मीडिया पर क्रिटिक प्लेटफॉर्म है हम लोग पत्रकारिता पत्रकारों उनके ऊपर भी एक लगातार नजर रखते हैं तमाम मतलब कम से कम सैकड़ों हमारी कोशिशें फेल होगी कि अर्नब गोस्वामी से किसी तरह की बातचीत की जाए किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर ला उनकी भी चीज़ों को समझाया जाए या कुछ संवाद की की एक बनाई जब वो सब असफल हो गए ऐसे में हमारे यहाँ पे एक्चुअली uh, हमारी गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे बैठी है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि अर्नब गोस्वामी को हर महीने एक बार पूछना है कि इंटरव्यू दोगे देंगे, देंगे, <laughs> देंगे।, <laughs> देंगे। <laughs> तो हाँ तो उसके बाद ऐसे आदमी के साथ अगर कोई अब ये तो ये हुआ कि प्राइवेसी में प्राइवेसी का मामला क्या है कि जब आप पब्लिक फिगर हैं तो अब, हमारी पार्लियामेंट में बलात्कार का आरोपी था या हमारी पार्लियामेंट में कोल्ड स्कैम के मामले में सीबू सोरेन महीनों गायब रहे को किसी को हवा नहीं लगी ऐसे मौके पर जब पत्रकार कर, जाता है पकड़ता है उससे बाइट लेने का और क्या तरीका है आपको लगता है कि वो इंटरव्यू देगा आपको या अपनी बात कहने के लिए आपको बुलाएगा अपने घर पत्रकार ब्रीच करते हैं उसका बयान लेने की कोशिश की जाती है करना चाहिए अर्नब गोस्वामी के साथ भी ऐसा हुआ अर्नब गोस्वामी की, की प्रवेशी या उनसे इसमें कि उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए या उनसे ऐसे और क्या तरीका है अर्नब गोस्वामी इस बातचीत करने का अगर अर्नब गोस्वामी हर दिन ये काम कर रहे हैं मुझे मुझे ये लगता है कि आ, क्या ब्रीच करना पत्रकारों का हक है मतलब अगर किसी को बात नहीं करनी है तो उसके बेडरूम में घुसना और सब जगह पे जाके घुसना और उसके पीछे लगना और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना मतलब यू नो मैंने मतलब मैं दस साल टीवी पत्रकारिता कर चुका हूँ और मुझे इस तरह की पत्रकारिता बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और ये टाइम्स नाउ ने ही शुरुआत की इन चीज़ों की मुझे आज भी याद है दस साल पहले की बात है कि अगर कोई मतलब डिनाई कर देता है बात करने से अगर यू you नो know, नहीं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है तो वो हम बाइट भी नहीं चलाते थे पर फिर अर्नब गोस्वामी ने मतलब टाइम्स नाउ पे नई चीज़ शुरू की कि डिनायल ऑन कैमरा दिखाना है मतलब उनका रिपोर्ट उनके पीछे जा रहा है बताइए बताइए क्या हो नहीं मुझे बात नहीं करनी बताइए बताइए क्या नहीं बात नहीं करनी बताइए बताइए और फिर वो पूरा तीन चार मिनट का डिनायल वो दिखाएंगे एंड सम ब्लाबला पर्सन रिफ्यूजेज टू टॉक्स तो टू टाइम्स नाउ तो ये जो ये जो एक कल्चर लाया कि आप किसी के भी घर में घुस सकते हैं आप कहीं भी घुस सकते हैं और उनसे पूछ सकते हो क्योंकि आप पत्रकार हैं और आपको ये हक है मुझे लगता है ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि इससे पत्रकार भी बदनाम हो गए तो कुणाल कामरा का अब यह कहना है कि क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने ऐसे किया तो इसलिए मैं उनके साथ वही कर रहा हूं ये तो ऐसे हो गया कि आपने मुझे तमाचा मारा मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने आपको पकड़ के पीट दिया तो फिर मैं आपके बराबर हो गया फिर हम दोनों तो एक जैसे हो गए फिर मैं तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझसे पूछे तो इस तरह की पत्रकारिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि यू नो अगर किसी को बात नहीं करनी है तो बस एक छोटी चीज खाली इसमें थोड़ा सा बस इंटरव्यू करता हूँ अभी कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है कि किसी दिन मुझे फ्लाइट में संबित पात्रा मिल जाए अब क्या करेंगे कुड़ाल कामरा जगह जगह ऐसे नेताओं के साथ पत्रकारों के साथ वो ये करेंगे और मान लीजिए कि उनके साथ किसी ने कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी और जिस अर्नब को मैं एक लाइन उसको साफ साफ कह रहा हूँ इसको न्यूज़ लॉन्ड्री के दर्शक बहुत ध्यान से सुने जिस अर्नब को कहा जा रहा है कि वो हर दिन रात को टीवी चैनल पर बैठ लोगों के बारे में राय बनाता बिगाड़ता है कुणाल कामरा दिन भर क्या करता है उसकी कॉमेडी कोई हंसाने के लिए होती तो तो है फिगर नहीं। और ट्विटर मंच नहीं कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है दूसरा ये कि अर्नब गोस्वामी ने जो पत्रकारिता शुरू की क्या नहीं कुणाल कामरा पत्रकार तो है नहीं पर बतौर पत्रकार इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई संसद हमारा सांसद हमारा भाग जाता है जब आप ओपिनियन मेकर हैं उस स्थिति में आपके साथ इस तरह की ज, 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 और दूसरी बात ये कि कुणाल कामरा कोई पत्रकार नहीं है लेकिन पत्रकार को भी इस तरह की ब्रीच करने का तब अधिकार एक लेवल तक जाना है लेकिन बेडरूम में आप जा सकते हैं यस नहीं जाना चाहिए वो उसका एक एक, एक उसके एक लिमिट है कहाँ तक जा सकते हैं कहाँ तक नहीं जा सकते है? और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जिन्होंने जिसके आप बता रहे कि इस कल्चर को शुरू किया चार चार पाँच पाँच लोग शशि थरूर के पीछे लगा के और जो डिनाइल बता रहे हैं चार कैमरा चार रिपोर्टर आपका रहा है एक आदमी को वो जाके तेजस्वी यादव के तेजस्वी पीछे भी पड़ गए थे प्लेन पे तो तो आप सारा काम तो कर चुके और और मुझे, मुझे एक यहाँ पे एक चीज याद आ रही है जब मैं रिपोर्टिंग करता था और शरद पवार खाना खा रहे थे दिल्ली की बात है वो खाना खा रहे थे और कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी और उनका रिएक्शन चाहिए था तो मैं वहां पर खड़ा था और दूसरे एक टीवी चैनल के पत्रकार खड़े थे और मुझे ठीक नहीं लगा अगर बंदा खाना खा रहा है तो उसको खाना खा दीजिए मतलब यू नो उनका लंच टाइम है वो खाना खा रहे हैं बूढ़ा आदमी है मतलब वो बूढ़ा हो ना हो खाना खा रहे हैं ठीक है तो क्योंकि बस आप वहां तक पहुंच गए हैं और आप चल के वहां तक जा सकते हैं इसका मतलब नहीं है कि आप चले जाए हाँ। तो वो जो रिपोर्टर था वो घुस गया अंदर और खाना खाते हुए उनको बार बार माइक डाल रहा है कि आप बताइए इसके ऊपर आप बताइए और वो उठ के भी नहीं जा सकते थे मतलब उन्हीं का ऑफिस था तो मुझे उस समय पे लगा कि मतलब मैं असम असमंजस में था कि क्या मैंने भी घुस के वहाँ पे माइक हाँ क्या मैंने भी घुस के वहाँ पे वहाँ मेरे चैनल का माइक डालना चाहिए तो मुझे नहीं लगा ठीक तो मैंने नहीं किया वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कल्चर ठीक नहीं है ऐसा मुझे पर्सनली लगता है और हुँ. दूसरा जो कुणाल कामरा ने किया वो वही कर रहा है और इसलिए मुझे कुणाल कामरा का भी ठीक नहीं लगता है जब मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूं और जब मैं वहां से उठ नहीं सकता हूं क्योंकि मैं फ्लाइट से बाहर तो नहीं कूद सकता हूं तो ऐसे समय पे कोई आके अगर मुझसे बात करे और वो सिर्फ बात नहीं कर रहा था वो अब्यूज भी कर रहा था तो मुझे अब हम लोग सख्त खिलाफ है लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग शायद टाइम्स नाउ चैनल आया कब था ये भूल गए हैं टाइम्स नाव से पहले इस देश के सभी चैनलों ने यही टीवी चैनल आया ही था तो दे आर बाइट कलेक्टर टीवी चैनल आने के बाद ये शुरू हुआ कि कौन कितनी जल्दी कितनी बाइट लेके आएगा और उसको हम कैसे ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे तो जब आप ब्रेकिंग न्यूज कॉन्सेप्ट लेके आए तो ब्रेकिंग न्यूज का मतलब ये कि मारा मारी ब्रेकिंग न्यूज का मतलब ही है कि, कि किसी न किसी के अधिकार को आप छीन रहे हैं और ये जो आपने बताया शर्मनाक है कि कोई नेता खाना खा रहा हो और रिपोर्टर बाइट लेने पहुंच जाए तो ये मैं ये कह रहा हूं कि इस अगर इस बीमारी की तरफ बात करेंगे तो शायद हम समाधान की तरफ पहुंचेंगे। अर्नब की तरफ बात करेंगे तो ये फिर सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड हो जाएगी। मुझे मुझे लगता है कि कुणाल कामरा ने जो किया वो सही किया मेरा तो यही ओपिनियन है पर मुझे आ, अगर ये बोला जाए तो फिर इंडिगो ने भी सही किया कि उसको छः महीने के लिए बैन कर दिया क्योंकि पहले क्या हुआ कि कुणाल कामरा ने ये किया दो मिनट का क्लिप डाला फिर इंडिगो ने बैन कर दिया छह महीने के लिए एंड आई थिंक दैट अ रीजनेबल पनिशमेंट जो उसको देना चाहिए था प्रोसीजर यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्योंकि कल कल ही हमने स्टोरी हा, हा, की हा, है exactly. कि अगर कोई अब्यूज करता है लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो तीन महीने तक हुँ. हो सकता है हा, 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 अगर कोई मारपीट करता है तो छह महीने और अगर जानलेवा हमला करता है तो दो साल से ज्यादा पूरी उम्र कमेटी बैठनी चाहिए कमेटी बैठनी चाहिए जो वो रिस्पॉन्डेंट भी रहना चाहिए जो अपील भी कर सकते प्रोसीजर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं लगता है कि वो प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर तो, तो, तो मिसिंग है वो तो दिख रहा है घंटे के अंदर सारा तो, कुछ हो आ, तो प्रोसीजर मेरा तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आप सर कॉमेडी उसके बारे में बात कर रहे हैं कॉमेडी दो तरीके की होती है एक तो आप पंच डाउन कर सकते हो जो नीचे के आपके लेवल के नीचे के लोग हैं उनकी मजाक उड़ा सकते हो वो क्रूएल है और आप ऊपर पंच कर सकते हो मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जो कॉमेडी करता है वो ऊपर पंच करने करता है फिर ऐसी तैसी डेमोक्रेसी और जो आप कॉमेडी का मतलब मकसद ही यही है कि जो लोग हैं पावरफुल लोग, है लोग है, उनका मजाक उड़ाना बस बेसिकली कॉमेडी वही है कि एक तो स्टीरियो का मजाक उड़ाना या फिर सोसाइटल जो यू नो कंडीशन है उसका मजाक उड़ाना या फिर जो पावरफुल है उनका मजाक उड़ाना अब कुछ लोगों को वो कॉमेडी अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है वो अलग बात है पर जो कुणाल कामरा ने जो किया वो एक आपको समझना चाहिए कुणाल कामरा थोड़ा सा ऑब्सेसिव है जो अर्नब गोस वो काफी बार बोल चुका है कि अर्नब गोस्वामी रोज रात को देखता है वो और उसका और उसका हाँ, रूममेट और वो पिंग ह्यूमन जो एक है वो वीडियो भी बनाते हैं बार बार रमित वर्मा, रमित वर्मा, वर्मा वो भी बहुत वीडियोस बनाते हैं अब आप सोचिए कि रात भर वो देखते हैं देखते हैं गुस्सा आता है गुस्सा आता है गुस्सा आता है और एक दिन आता है जब ये प्लेट में बैठे हुए तो अब क्या करेंगे तो ये, ये कह कह है। तो आत्महत्या कर लेंगे हत्या कर देंगे नहीं, मर नहीं, जाएंगे मार डालेंगे ये ये कोई चेन इवेंट नहीं है आप समझिए आप आइडिएशन के बिजनेस में है और मैंने कुणाल कामरा की कॉमेडी पे नहीं कहा कि मुझे अच्छा या बुरा लगता है ऊपर नीचे किसी को मोदी को आप दिन भर कमेंट कीजिए राहुल गांधी को कमेंट कीजिए बहुत अच्छा लगता है मुझे लेकिन आप वो करते करते पार्टी बन जाए पत्रकार के लिए भी खतरनाक है कॉमेडी पत्रकार कौन 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 नहीं कॉमेडियन बोला एक बेसिक लाइन की ऐसा कंफ्यूजन हो रहा कि कुणाल कामरा पत्रकार नहीं वो कॉमेडियन है और अपना काम एक यहां पे सिर्फ बात कहना चाहूंगा कि अब हम उस दौर में आ चुके हैं जहां पे कमेडियंस सिर्फ कमेडियंस नहीं, नहीं है एग्जैक्टली exactly. और ये पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ हमने यूनाइटेड किंगडम में देखा yes. कि जब कमेडियंस पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते जैसे कि हमने जो पिछली बार देखिए उन्होंने इस, इस, लिया एक तो तो अभी के अगर चुनाव की बात करें तो ट्रंप का जो चुनाव हुआ था इससे पहले जो हुआ था उस समय पे जॉन ऑलिवर जैसे पोलिटिकल कॉमेडियन है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की कॉमेडी करते हैं कुणाल कामरा बीवी बच्चों पे जोक्स नहीं करता है वो सिर्फ पॉलिटिक्स पे जोक्स करता है सो अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉमेडियन तो ऐसे सेंटर स्टेज में आ गए थे यूएसए में और वो लगभग पत्रकारिता करने लगे थे तो जॉन स्टुअर्ट एग्जैक्टली तो वो लगभग जैसे कि अगर जॉन ऑलिवर का शो है तो वो शो क्या है वो कॉमेडी है वो न्यूज है वो एनालिसिस है वो क्या है वो तो मतलब यू नो वो सब मिक्स है तो अब हमारे पास Uh, कुणाल कामरा जैसे कैरेक्टर्स आने लगे हैं जो विशुद्ध कॉमेडियंस नहीं है हुँ हुँ। वो वो वो, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं अब तो exactly, वही तो, करते तो, हैं। तो, 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 हमें ये भी समझना चाहिए कि अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां पे कमेडियंस पॉलिटिकल कमेंटेटर्स बन जाते हैं ठीक बात नहीं और ये स्थितियां होती है आप अगर बहुत खराब मानता नहीं हो मैं तो जरा दूसरी तरह से देखता हूं मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को इस भ्रम से बाहर आना चाहिए न तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रिविलेज दिया हुआ है ना कोई हमारा प्रिविलेज है तो कोई भी आदमी सिटीजन जर्नलिज्म कर सकता है लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों को फर्क रखना पड़ेगा ना और क्या पत्रकार को भी यह है क्या कि किसी को भी वो फ्लाइट में जाए और इस तरह से उल्टे सीधे सवाल गोस्वामी करते, भी करते रहे को भी कराया किया नहीं नहीं ये, मैं वही कह रहा हूं कि दोनों का फर्क जो है दोनों के फर्क को आपको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा आप जब किसी नेता के पीछे किसी बाइट को लेने जा रहे हैं हमने तो इस देश में उस पे भी हंगामा कर दिया था कि डिफेंस एयरपोर्ट सेल्फी डाल देते है एक छोटी सी चीज है कि अर्नब गोस्वामी ने जिस स्तर पर ले जाके अर्नब गोस्वामी के साथ ये हुआ किसी और के साथ ऐसा होगा इसकी मुझे बहुत कम संभावना लगती किसी और पत्रकार के इन पत्रकारों के साथ हुआ नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप संभावना कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ शंका पर यह आजकल बहुत सारे पत्रकारों के साथ हो रहा है अब इस पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या वो पत्रकार है या ओपिनियन मेकर अगर आपको याद होगा तो मुझे लगता है ये कुछ दिनों पहले दीपक न्यूज के जो एडिटर सुधीर के साथ हुआ था ये मेडिसन स्कोयर में राजदीप सरदेसाई के साथ हुआ था तो जिस मतलब आपको अगर पत्रकार पसंद नहीं है तो आप उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं ये अब लोगों में भी होने लगा है और ये पत्रकारों के लिए भी भी बहुत अच्छी बात नहीं है मतलब उन्हें भी आप समझना पड़ेगा कि we need to be responsible whenever we do journalism और हमें yes. हम कर कर आउट इस हम हाँ, है हम करते हैं बार बार सरकार का रिएक्शन क्या था राइटिगो ने जो किया वो सही किया छह महीने के लिए बैन कर दिया प्रोसीजर था नहीं था वो एक है ऑब्वियसली क्वेश्चन है पर जब सिविल एविएशन मिनिस्टर इमीडिएटली घंटों में ट्वीट करता है और बाकी के एयरलाइंस को बोलता है कि टैग अब वो बाकी के एयरलाइंस भी ट्वीट करने लगते हैं और फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर बहुत अटेंडेंस लगाने की तरह हाँ हमने भी कर दिया हाँ हमने भी कर दिया, हाँ ये, हमने भी कर दिया। ये बहुत शर्मनाक बहुत घटिया चीज है और इनका एक मैसेज देने का ये मेथड है कि आप अगर हमारे हमारे प्रोपोगेंडिस्ट पत्रकारों को आप अब हम, चलने नहीं देंगे चल अर्नब गोस्वामी कोई को हाथ नहीं लगा सकता अर्नब लुटियंस मीडिया, मीडिया करके चिल्लाता रहता है वो बन गया है लुटियंस मीडिया वो बोल रहा है कि मेरा बाप कौन है तू नहीं जानता ये मुझे लगता है कि मैं इतने सख्त शब्दों में तो नहीं कहूंगा लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि एक मैसेज गया है कि 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 हम कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ हैं अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो हम कार्रवाई करेंगे तुरंत करेंगे और और ये अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ कि सबके सामने आ आ गया है ये ये आ गया आ गया है सामने कि कुणाल कामरा कितना एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट है ये एक इंसिडेंट से हमको पूरा दिखाई देता है मुझे लगता है कि काफी आखिरी चीज आप मतलब जो आपका ओपोनेंट है वो आप किसे चुनते हैं इससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है मतलब यू नो स्पेशली आप कौन से वेट में खेलते हैं आप सेवेंटीजी में खेलते आप 60 में खेलते हैं हैं आप में वगैरह वगैरह तो अगर भारत सरकार कुणाल कामरा को चूज कर रही है अपोज करने के लिए तो इसके दो मतलब होते हैं एक तो भारत सरकार बहुत नीचे आ रही है या कुणाल कामरा बहुत बड़ा ऊपर चला गया है ठीक बात है ये भी तो इसको ऐसे भी देख लेना अर्नब की भक्ति में कुणाल इतना लीन हो गया कि वो अर्नब बन गया ठीक बात तो आ, हमारे जो पिछला सवा एपिसोड था उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए थे और एक एक मेल है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा संक्षेप काफ़ी बड़ा है और बहुत का, 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 कंस्ट्रक्टिव तरीके से इन्होंने लिखा है राज शेखर सेन हैं सैन जोस कैलिफोर्निया में रहते हैं और पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी इंदिरा जयसिंह का जो बयान आया था फांसी को लेकर और माफ़ी को लेकर आ, निर्भया के जो बलात्कारी हैं उनको माफ़ी को लेकर उन्होंने बयान दिया था उस पर उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई काफ़ी सारे उसमें राय आई कि क्यों इंदिरा जयसिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए या ऐसे करनी चाहिए और सिनेमा आर्टिस्ट हैं हमारी कंगना रानौत उन्होंने कहा था कि इंदिरा जयसिंह को तो उन्हीं बलात्कारियों के साथ कमरे में बंद कर देना चाहिए खैर तो हमने उस पर बहस की थी उस पर राजशेखर सेन ने बहुत एक बहुत ही आ, आ, आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात रखी है इस पूरे विषय पर मैं हल्का पूरा तो नहीं पढ़ूंगा जल्दी से एक थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको और अपने श्रोताओं को बताता हूँ तो उसमें इन्होंने लिखा है कि द रीज़न फॉर क्रिमिनल जस्टिस टू एग्जिस्ट इज़ बिकॉज जस्टिस हैज़ टू बी प्रियमटिव एंड नॉट रेट्रीब्यूटिव इन अदर वर्ड्स द रीज़न फॉर जुडिशरी एंड क्रिमिनल ट्रायल्स टू एग्जिस्ट इज़ नॉट

ये उसका uh, मूल एक मकसद होता है और उन्होंने इसमें एक जॉन uh, एडम्स जो कि अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके उनका एक कोट लिखा है कि इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इनोसेंट दैट इनोसेंस बी प्रोटेक्टेड दैन इट इज़ द गिल्ट बी पनिस्ड फॉर गिल्ट द क्राइम्स आर सो फ्रिक्वेंट इन दिस वर्ल्ड दैट दे के नॉट ऑल बी पनिश तो सारे आप अपराधियों को पनिश नहीं कर सकते हैं अल्टीमेटली आपको उस गिल्ट की भावना को uh, पनिश करना होता है या उसकी भावना को उजागर करना होता है या कॉमन आर्गूमेंट अगेंस्ट हार्सर पनिशमेंट तो जो और बहुत कड़े से कड़े कठोर कट, जो पनिशमेंट या सज़ा की के पीछे तर्क ये होता है कि जितना कठोर कानून रहेगा उससे लोग उतना बचेंगे और वो एक हद तक सही है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वो काम करता हुआ नहीं दिखता मसलन इसमें उन्होंने एक लिखा कि जो पांच ऐसे देश हैं जिन्होंने मौत की सज़ा और को और तमाम चीज़ों को जारी रखा है अपने यहाँ प्यू की रिसर्च है एक्चुअली वो बताती है कि चाइना ईरान सऊदी अरबिया और यूएस इन सब जगहों पर ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशंस है और इस पर कठोर कानूनों के बावजूद बहुत ही ख़राब है कंपैरिजन टू नॉर्डिक कंट्रीज़ जहाँ पर कि फांसी की सज़ा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है तो ये एक तमाम चीज़ें और इसके अलावा एक लंबा है इसका आखिरी हिस्सा है हाउ इट मस्ट बी सेट दैट रिवेंज डजेंट मेक एनी बडीज़ लाइफ बेटर एंड हैज़ नो प्रोग्रेसिव क्वालिटी इससे आदमी के जीवन में कोई गुणात्मक बदलाव आता है ना ही ये एक ह्यूमन बींग के तौर पर आपको कोई बहुत बड़ा बदले की भावना से कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है इससे आपको एक केवल एक 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 छत में आपको भावना आती है कि हाँ आपने किसी को पनिश कर दिया या दंड दे दिया लेकिन मृत्यु की सज़ा या इस तरह की चीज़ कैपिटल पनिशमेंट जो है वो आपको कहीं एक मनुष्य के रूप में इंसानियत और समाज के रूप में आपको कहीं परिपक्व या प्रोग्रेसिव नहीं बनाती है प्रगतिशील नहीं बनाती है तो राजशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए वास्तव में आपने उन्हीं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी और, और आ, हाँ, हाँ आप लोगों की इस पर टिप्पणी और काफ़ी काफ़ी हाँ। काफी लोगों ने YouTube पे भी इस पर कमेंट किया था क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगा जो हमने मतलब काफ़ी ओपिनियंस रखे गए थे निर्भया के ऊपर एक्सेट्रा और हम हम आई थिंक सभी बोल रहे थे कि कैपिटल पनिशमेंट पे थोड़ा सा और विचार करना चाहिए एक्सेट्रा तो हम समझते हैं कि आप आप सहमत नहीं होंगे ये व्यूज uh, से और कोर्स यू कैन बी एज एज मतलब आपका व्यू आपका है पर मुझे भी अभी भी फिर भी लगता है कि हमारे यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए और आई थिंक इट शुड बी हम अभी विषय में की राह में है पूरा देश कि इस तरह की चीज़ों पर कोई और टिप्पणी आपकी अगर कैपिटल प्लेसमेंट पे हो आशीष और नहीं, हर इसमें हर बस मैं कहूंगा जो आपने चिट्ठी पढ़कर सुनाई है शायद इसीलिए हम लोग बात करते हैं ना कि भारत का संविधान जो है और हमारे जो अपने कानून है जो हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज की बात करते हैं वो वही बड़ा लंबा सा चिट्ठी में उन्होंने लिखा हुआ भावना वही है लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग इंदिरा जयसिंह और कंगना रनावत के बयानों पे चर्चा कर रहे हैं ये शर्मनाक है इंदिरा जयसिंह जैसी महिला को ये बोलना नहीं चाहिए था बेहद घटिया और शर्मनाक बयान और उस पर कंगना रनावत से आप उस बयान की उम्मीद कर ही सकते हैं मतलब अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप फिर कुछ और सोच रहे हैं लेकिन इंदिरा जयसिंह ये बोल दें और ये मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे मसलों पर ये हम सब जानते हैं दुनिया में कहीं भी कानून बनते ही इसीलिए हैं कि अगली बार किसी को वो करते हुए डर लगे लेकिन मुझे डर नहीं लगेगा तो मेरा क्या कर लेगा वो कानून लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी को ऐसे कानून नहीं बनाएंगे और भारत के संविधान में बार बार सर्वोच्च न्यायालय पर बहस में सीजीआई कई कह चुके हैं ऑब्जर्वेशंस कई आ चुके हैं उसको ध्यान से पढ़ी, सब में यही कहा जाता है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में आपको सोसाइटी के तौर पर आपको सिंबल मान लीजिए आपको उसको छद्म संतुष्टि मान लीजिए आप उस मां का परिवार का जो उसके साथ लोग जुड़े हैं जो लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर निकले थे जिसमें हम भी थे हम लोग भी चढ़ गए थे रायसीना के ऊपर बैरिकेडिंग लगी थी तो उस वक्त लगता था कि कुछ हम कर देंगे हम क्या कर देंगे लेकिन जब हम इस तरह के फैसले करते हैं तो उसमें ये हम कहेंगे कि ये इससे सोसाइटी नहीं बनी इसलिए वैज्ञानिक तरीका खोजेंगे कौन सा वैज्ञानिक तरीका खोजेंगे सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट का एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम करें और इस स्थिति में पहुंच जाए उस आदर्श स्थिति में तो खत्म कर दें लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय संविधान के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो पूरी तरह से सही है और इंदिरा जयसिंह को ऐसा घटिया शर्नाक बयान नहीं देना चाहिए था नहीं इसमें एक चीज़ बस मैं मेरी आपत्ति है कि इंदिरा सिंह एक एक्टिविस्ट एक के तौर पे उन्होंने लंबा उन्होंने काम किया और कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका काम रहा है उन्होंने अफजल गुरु वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था आखिरी टाइम पे और नहीं ये याकूब मेनन के मामले में दरवाज़ा खटखटाया था कि इसको फांसी ना हो मेरा ये कहना है कि एक एक्टिविस्ट के तौर पर और दूसरे ये ये बयान देना कि निर्भया की माँ को अब अतीत से बाहर निकलकर आगे की तरफ सोचना चाहिए उनको भी ऐसा ही माफ कर देना चाहिए हत्यारों को जैसे कि राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया माँ को सोनिया गांधी जी की तरह राजनीति नहीं करनी है

करके बड़े बन जाए वो नहीं महान बनना चाहती भाई उसको नहीं करना उस महिला को उस महिला की भी एक्टिविज्म अरे तो, तो 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 ये, ये तो अजीब बात होगी मतलब इसका तो कोई अंत ही नहीं हुआ ये मेरा मानना है मैं चाहती हूँ ऐसा मैं बतौर एक्टिविस्ट तो अंत क्या ये तो ऐसी हो गई मुर्गी की पहले मुर्गी अंडा नहीं चाह रही थी उनकी अपनी बेटी के लिए जिस लड़ाई को पूरे अरे भाई उनकी साथ बात से, से हुए उनकी बात से नहीं बा, इत, ना इतफा है उनकी माँ ने अपना तय कर लिया कि उनको फांसी की सजा चाहिए बात यह है कि हम जो बहस कर रहे हैं ये तो मुर्गी अंडे वाली बहस हो गई ना कि इनका ये कौन तय करेगा उनका वो कौन करेगा तो उनका हम भी तो तय कर रहे हैं हम भी तो टिप्पणी कर ही रहे हैं ना उसमें कहा कर रहे हैं आप शर्मनाक आपने आपने कहा कि वो शर्मनाक है और जरूरी है उनकी टिप्पणी करो फिर से मैं कर घटिया हरकत इंदिरा जयसिंह ने की शर्मनाक हरकत की अपने बारे में टिप्पणी करनी चाहिए ऐसे मामलों पर टिप्पणी हक करने का अधिकार इंदिरा जयसिंह को नहीं है और किसी को भी नहीं है, किसी दूसरे के बारे मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे नहीं लगता कि ये घटिया है मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज एवरी राइट टू मेक एन अपील उन्होंने सिर्फ अपील किया है और अगर हम कैपिटल uh, पनिशमेंट की बात करें या किसी भी पनिशमेंट की तो उसके दो मुख्य हेतु होते हैं पहला होता है कि uh, आपने कुछ गुनाह किया है तो उसके आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और वो उसके मुताबिक मिलनी चाहिए अगर अगर आपने आपने छो, छोटी छोटी सी सी चोरी की है है तो तो आपको आपको सज़ा होगी अगर आपने कोई किसी को मार डाला है, तो आपको बड़ी सजा होगी तो नंबर वन इस प्रपोर्शन और दूसरा जो है वो औरों के लिए डिटरेंट होना चाहिए हुँ, मतलब हुँ। अगर मैंने कुछ गुनाह किया है मुझे ऐसी सजा मिले कि बाकी लोग उससे वो वो गुनाह फिर से ना करें ये दो मुख्य हेतु है और भी हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी सज़ा से कैपिटल पनिशमेंट हो या और भी कोई सज़ा हो क्या वो औरों के लिए डिटरेंट हो रही है ये हमने सोचना चाहिए तो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये दिख रहा है कि वो उतना डिटरेंट नहीं, हो, नहीं रहा हो रहा है, है। और इसी वजह से अगर हम पिछले 2000 सालों से भी देखें तो कैपिटल पनिशमेंट कम होता हुआ गया है मतलब ज, ज, जिसकी बात आपने कही नहीं कि कहीयर है कुछ भी होता था तो सरकार दो उसको ये कर दो वगैरह वगैरह आजकल हम वो नहीं करते हैं और आज हम बिल्कुल प्रोपोर्शनेट देते हैं जो हमने लॉ लिया है जो मुख्यतः यूरोप से आया है इंडिया में आया है उसका जो प्रिंसिपल है वो वही है ¡Tú! सिर्फ इंडिया की और कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो वो भी कम होता हुआ जा रहा है बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट का जो मर्सी पिटिशन होता है उस पर कुछ फैसला ही नहीं दिया है वो बैठे रहे उस पर इसमें एक और चीज है आशीष कि, कि किसी भी सिविल सोसाइटी में इस तरह की स्वस्थ बहसों से बात आगे बढ़ती है और लोग लगातार आगे की दिशा में नया समाज प्रगति करता है समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की बहसों को ही आप कह देंगे कि इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी एक एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि आप निर्भया के बारे में बात कर रहे हैं पर अभी हम ऐसे समय में बैठे हुए हैं जब हैदराबाद में एक ऐसी घटना होती है सिमिलर घटना तो पुलिस उनको ब्रिज के नीचे जाके शूट कर देती है दे आर अक्यूज अक्यूज बहुत एक, अच्छी बात आपने कही एक, मैं एक, एक, यही कह रहा हूँ कि वो घटना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती एग्जैक्टली exactly. लेकिन जब इस तरह के बयान ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे आते हैं तब उसको पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काने वाला हो जाता है और ये हमारे जब हम स्वस्थ समाज बनाने की बात कर रहे हैं तो हम समाज कहीं मंगल ग्रह पे बनाएंगे क्या नहीं नहीं हमारे आसपास उनका तो ये कि आपको जब सोसाइटी के के उस पे बात करनी होगी तो आपको अप्रिय बातें सोसाइटी को समझा सोसायटी समाज का दायरा इतना नहीं है कि और ना उसको खुश करने की कोशिश बिल्कुल समाज को हम खुश करने के लिए अच्छी बात नहीं ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे अप्रिय बातें भी बोली जाएंगी वही कह रहा हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट रेरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में भी ना हो इस बहस पर किसी को اعتراض नहीं है बिल्कुल होनी चाहिए ये कोई फांसीवादी तो समाज नहीं है तो तो यही तो लेकिन वो आशा देवी को सवाल सलाह देना ऐसे संवेदनशील मौके पर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और फिर से मैं ठीक हाँ, कुछ और टिप्पणी है कि आ, नहीं, नहीं, नहीं नहीं आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अगले आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिल्ली चुनाव से जुड़ा मामला है और हम देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव अब यहाँ से आज से दस दिन रह गए हैं और काफी हीटेड बहस हो रही है आशीष आप ही से सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो जिस तरह से पिछले तीन दिनों में पूरा माहौल बना है एक तो ये कि शाहन बाग को पिछले तीन चार दिनों में अपनी तीन चार रैलियों में गृहमंत्री अमित शाह ने बार बार शाहीन बाग का ज़िक्र किया तो एक तो ये कि शाहीन बाग ना तो दिल्ली इलेक्शन से जुड़ा मुद्दा था ना दिल्ली इलेक्शन के लिए को लेकर शाहीन बाग में लोग बैठे थे तो एक ये जो लाइन है लेकिन बार बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको इसमें शाहीन बाग को घसीट के लिया रही है और प्रवेश वर्मा जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं उन्होंने कह दिया कि शाहीन बाग में जो बैठे हैं वो आपके घरों में आपकी बेटियों बच्चियों औरतों का रेप करेंगे निकल के ये वो ये ये हाँ लगता है ये ये बड़ी आसान सी बात है समझने में और अगर हम पैटर्न देखें हरियाणा हो झारखंड हो महाराष्ट्र हो hmm. तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि नेशनल इश्यूज पे इलेक्शन हो hmm. क्योंकि वो उनका आ, मतलब यू नो दे कॉन्फिडेंट उसमें वो जीत सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है hmm. और वो कोशिश वो बार बार करते हैं उन्होंने मतलब मैं क्योंकि महाराष्ट्र से हूँ मैंने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा 370 सेवेंटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज हर एक नेता 370 की बात कर रहा था और कुछ हद तक लो लोगों को ठीक अपील भी ल, कर अपील रहा। भी कर रहा था तो एक स्पेशली अर्बन सेंटर्स में हमने देखा है कि लोगों को अपील कर रहा था गाँव में इतना नहीं था जैसे हम बीड जिले में थे मराठवाड़ा के और वहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता था कि 370 क्या है या कश्मीर में दरअसल क्या हो रहा है वो उन्हें पता भी नहीं था उन्हें अपने गन, गन्ने का रेट या वगैरह वगैरह इन चीजों से वास्ता था तो कुछ हद तक ये मुद्दे अपील करते हैं पर बीजेपी के पास अगर हम दिल्ली की बात करें तो लोकल इश्यूज पर बात करने के लिए ज्यादा नहीं है तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू मेक इट एन इलेक्शन ऑन नेशनल इश्यूज। और साथ में कम्युनल भी मैं कहूंगा क्योंकि, वो, वो, क्योंकि वो हाँ। बात है तो अगर हम नेशनल इश्यूज की बात करें तो उसमें भी नेशनल इश्यूज मतलब आ, कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज वगैरह पे नहीं हो रहा है वो कम्यूनल पोलराइज कर रहे हैं वो दिख रहा है कि वो पोलराइज कर रहे हैं वो क्लियरली पोलराइज कर रहे हैं मतलब बाग में बैठने वाली जो औरतें हैं वो मुसलमान हैं और वहां पे प्रो पाकिस्तान है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है वगैरह वगैरह दे आर बीजेपी ट्राइंग टू अपील टू द हिंदूज कि भाई आप हमें वोट करें ये बाग आपके बाग दुश्मन है यह आपके दुश्मन ये क्लियरली पोलराइजेशन करने की कोशिश है अब दूसरा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की कोशिश ही यही है कि स्टेट इलेक्शन पे तो बार बार अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखें तो अरविंद केजरीवाल को सी ए जब भी सवाल पूछा जाता है वो उससे दूर डाइवर्ट हो जाता है तो नहीं कोई लेना देना नहीं 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 उन्होंने उन्होंने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा कि मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और मुसलमानों से लेना नहीं देना नहीं मुझे दिल्ली के हिंदू और मुसलमानों से लेना देना तो अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ दिल्ली के मुद्दों पर ही हो पर उसमें और एक जो प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी को हो सकता है कि ये मुद्दा ही नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते है, थोड़ा सा कुछ लोगों के, लिए मुद्दा बिल्कुल है, ये उन लोगों के लिए मुद्दा है जो डायरेक्टली है, है, है। ट्रैफिक जैम और बहुत सारी चीजें हो रही है उनके लिए भी ये मुद्दा हो सकता है तो ये मुद्दा कुछ हद तक जरूर है दिल्ली में उसके ऊपर बात ही ना करे अरविंद केजरीवाल तो उसका भी उन्हें कुछ हद तक नुकसान हो सकता है अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल्स, बिजली पानी इन सब चीजों पे ही चुनाव हो और बीजेपी चाहती है जो उनके भाषणों से दिख रहा है कि ये सी एन आर सी के ऊपर चुनाव हो ये आ, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है न्यूज लॉन्ड्री के लिए वो आप आ, पढ़ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने अब सब प्रिटेंसेस ही छोड़ दिए कि डेवलपमेंट पर बात करेंगे उन्होंने अब सीधा सोशल इश्यूज पे आए लेट्स कॉल इट सोशल इश्यूज अभी और हमारे यहाँ पे सोशल इशू जो अभी सबसे बड़ा है वो अच्छा है कि आपने अतुल की तरह कम्युनल नहीं सोशल इशू का अच्छा लगा मुझे मैंने सोशल इशू कहा क्योंकि ये जेन्यनली सोशल इशू है हमारे अभी जो देख रहे हैं हम कि हिंदू मुस्लिम में जो डिविजन बना हुआ है या फिर जो भड़काया जा रहा है जो हमारे जो लीडर्स है वो बार बार बाहर आके हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आपके समाज में ही एनिमीज़ बैठे हुए हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए क्योंकि हमारी वोट बैंक ये नहीं है और आपकी वोट बैंक बाकियों की वोट बैंक ये है बाकी सब जो है वो राहुल गांधी ले लीजिए अरविंद केजरीवाल ले लीजिए के वो एक तो टेररिस्ट है कम्युनिस्ट है टुकड़े टुकड़े गैंग है और उनका वो वोट बैंक है शाहीन बाग उनका वोट बैंक है ये जो लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं और इतना ब्लेटेंट यूज़ हो रहा है अभी कि बहुत ख़तरनाक है मुझे लगता है और ये आई थिंक थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड सा लग रहा है आई थिंक यूपी में हो चुका है ऑलरेडी हो चुका है बट अनप्रेसिडेंटेड इन अ वे कि अब उन्होंने पूरा प्रिटेंस ही छोड़ दिया है कि लोकल इश्यूज पे बात ही नहीं करना अभी। हाँ। Basically, दो है बेसिकली पहले थोड़ा सा बैलेंस था थोड़ा बहुत वो बात भी करते थे बट अभी वो वो भी नहीं कर अभी तो ये एक और बड़ी दिक्कत जो भारतीय जनता पार्टी को ये हो रही है कि एक तो स्टेट पे में कोई बहुत क्रेडिबल फेस नहीं है तो हर पोस्टर पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मुद्दे के तौर पर चार चीजें लिखी हुई है

मोदी जी हैं भाजपा की बात हम कर रहे हैं और मोदी जी के साथ कॉमन मैन है कोई कोई महिला होगी कोई पुरुष होगा कोई लड़का होगा कोई मजदूर होगा कोई इस तरह के लोग हैं और समस्याएं हैं सड़क है बिजली है पानी है नहीं, एक नहीं, मिनट नहीं, एक नहीं, मिनट मिन, 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 मैंने आपके बीच में नहीं बोला अच्छी बहस है सही होगी बिल्कुल और उसको जब आप देखते हैं तो उसके बीच में अभी इधर होर्डिंग्स बढ़ी चूंकि मैं रोज़ फॉलो करता हूँ और मैं रोज गिनते हुए भी आता हूँ मेरी आदत में शामिल है आपको मैं कहूँगा कि आप मयूर विहार से आते हो तो उस पर पूरा फ्लाईओवर पे लगे हुए हैं ये जो महाराजा सम्राट मिहिर भोज है जो नया है उस पर लगे हुए हैं अब क्या हुआ है कि अभी नए होर्डिंग्स आ गए हैं जिसपे मोदी जी के साथ 370 है नागरिकता है शरणार्थी मैं यही बता रहा हूँ ये अभी नए आए बिल्कुल बिल्कुल और ये मैं जो बता रहा हूँ मैं डेट बता दूँगी चार दिन से बदले बिल्कुल उसके पहले तक बाकायदा सड़क बिजली पानी डेवलपमेंट इस पर बात हो रही थी तो अब इस पर अब ए, क्यों होने लगी? नहीं मैं पूरी बात करूंगा नहीं तो आधी बात कट जाएगी फिर आप लोग कहेंगे कि ये न्यूजी के दर्शकों <laughs> का जो है ना उनका ज्ञानवर्धन कम होगा मेरा नाम हर्षवर्धन है तो ज्ञानवर्धन पूरा करूंगा जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ कम्युनल किसने किया दिल्ली के चुनाव को शर्जील इमाम किसके पक्ष में खड़े होकर भाषण कर रहा है अमानतुल्ला खान के साथ उसकी रैली कौन दिखाया दिल्ली की आयशा की प्रेसिडेंट आयशी घोष क्यों कहती है कि हम कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे 370 की लड़ाई लड़ेंगे और वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्यों मुस्लिमों के बड़े नेता आकर कहते हैं कि ये नागरिकता का तो मसला ही नहीं है मसला तो है कि सबको निकाल के बाहर कर दोगे कौन जहर भर रहा है शाहीन बाग में और कौन तय कर रहा है इस फांसीवादी आंदोलन को कि दीपक चौरसिया सुधीर चौधरी बैरिकेड के बाहर आज तक और एबीपी जब ये सब हो गया तो बैरिकेड के अंदर उसके बाद भी इंडिया टुडे के शो में कोई अगर उनके खिलाफ बात करता है तो उसे पकड़ कर खींचने की कोशिश होती है ये ट्विटर पर है राहुल कमल का भी ट्विटर हैंडल देख लीजिएगा मैं वो देख के आया हूं इसलिए बोल रहा हूं अब इसके बाद आप कहते हैं मैं एकदम आपके साथ लानत भेजता हूं, कोई भी जो साम्प्रदायिक भाषण दे रहा है वो भाजपा का नेता हो कांग्रेस का नेता हो अरविंद केजरीवाल हो लेकिन सवाल क्या है कि दिल्ली का कम्युनल पॉलिटिक्स होना ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है शाहीन बाग में करीब करीब मोटा मोटा पचास दिन होने जा रहे हैं सैंतालीस अड़तालीस जितने दिन गिना नहीं अभी मैंने वहाँ की वजह से दिल्ली के पूरे के पूरे इलाके के और बड़े इलाके का है और आपको मैं बताऊँ कि वो शर्जील बोल के अंदर हो गया मॉड्यूल उसका काम कर रहा है निजामुद्दीन पे भी बैठ के हैं लोग परसों में आया पुलिस ने अगर नहीं कर दिया होता किनारे तो हमारा बारा पुला भी ब्लॉक हो जाता आप इसको इसको इस एंगल से नहीं देखते हैं दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दे नहीं है ये और ये कम्युनल करने का काम मैं आरोप लगाता हूं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने इसको शुरू किया है जिसको भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पीछ पे जाके आप जवाब दे रही कांग्रेस हाँ, अच्छा पहले आप, आप कांग्रेस की बात हुई तो मुझे लगता है कि हमने कांग्रेस की बात ही, बात ही, नहीं, ही नहीं बात की क्योंकि कांग्रेस को लोग पहले ही से रिंग से बाहर मान रहे मैं ये कहता हूं देखिए कांग्रेस की बात नहीं की कांग्रेस की बात आप कैसे नहीं करेंगे कांग्रेस लगातार अगर आप कहें तो अरविंद केजरीवाल तो बेचारे सिसोदिया जी बोल गए भले आदमी हैं कुछ दो चार स्कूलों में अच्छा काम किया ईमानदारी से किया होगा अब वो बोल गए मैं शाहीन बाग के साथ हूँ उसके बाद उनकी स्थिति ये हो गई कि अब वो बोल ही नहीं पा रहे हैं अब मैं ये नहीं कहूँगा कल भी मैंने उनसे एक सवाल पूछा एक कार्यक्रम में और उसका जवाब वो नहीं दे पाए कहेगी मुझसे शिक्षा स्वास्थ्य में बात कीजिए ना मैंने कहा आप उप मुख्यमंत्री हो भाई उप मुख्यमंत्री कहेगा कि हमसे कानून व्यवस्था से मतलब ही नहीं क्योंकि क्यों दिल्ली का मसला है हमसे सोसाइटी से मतलब ही नहीं तो सेंटर का है सेंटर का इशू है मैं वही तो कह रहा हूँ ना जब आप कह रहे मसला नहीं मसला कैसे मैं बताता हूं ना तो कि कि जब तो आप कह रहे हैं कि हम सोसाइटी से जाएंगे तो आप भी तो कह सकते थे दिल्ली सरकार होम मिनिस्टर से टाइम लेगी और कहेगी कि इसको खुलवाइए वो इस तो आप, 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 आप आप बार हाँ। हाँ। <laughs> क्योंकि कांग्रेस कैसे परफॉर्म करता है इसके ऊपर दिल्ली में किसकी सरकार बनती है कितनी मार्जिन होती है ये डिपेंड करेगा मैं दो दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के एक नेता के साथ बात कर, कर रहा था और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म न करें क्योंकि हमारे और कांग्रेस के वोटर एक जैसे हैं बीजेपी का एक वोट बैंक है वो बीजेपी को वोट देता है अगर आप पिछले चार चुनाव भी देखें तो बीजेपी का कंसिस्टेंटली अच्छा वोट रहा है तीस प्रतिशत के आसपास कुछ है मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं पता पर कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ है जो शीला दीक्षित को वोट देते वो केजरीवाल को वोट देने लगे तो अगर कांग्रेस अच्छा करने लगती है तो वो आम आदमी पार्टी को नुकसान करेगा इसीलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छा ना करे उनका मतलब उस नेता का यह कहना था कि बीजेपी की बहुत इच्छा है कि कांग्रेस अच्छा करे <laughs> और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ठीक ठाक कर ले कांग्रेस को थोड़ी तो हवा मिल जाए <laughs> ताकि वो आम आदमी पार्टी के वोट्स काटे <laughs> तो कांग्रेस इस बार मतलब कांग्रेस अच्छा करे ये बीजेपी की इच्छा इस बार होगी ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल क्योंकि अजीब कल मैंने के लिए राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कांग्रेस को है। लोग नहीं चाहते कांग्रेस अच्छा करे भाजपा के लोग चाहते हैं वो जो भी है आ, कल कल एक बहुत मजे की बात हुई कल आ, मेरा एक असाइनमेंट था कि मुझे अरविंद केजरीवाल का रोड शो कवर करना था ठीक है हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक हम वहाँ पे पहुँच गए <laughs> हरिनगर से शुरू होना था और राजेंद्र नगर में ख़त्म होना था फिर बुद्ध नगर जा रहे थे वो तो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से हम पहुंच गए पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो बहुत फास्ट चलता है ये मुझे पता नहीं था पहले वो बहुत जल्दी जल्दी आगे आगे एक एक एरिया कवर कर 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 के तो हम गाड़ी से उनके पीछे पड़ गए ठीक है और जा रहे थे जा रहे थे और हम वही देख रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस का कहीं प्रेजेंस नहीं दिख रहा है हम, हम हमें एक ट्रक दिखाई दिया जहाँ पे एलसीडी था बंद पड़ा हुआ एक कोने में पड़ा हुआ था कांग्रेस कांग्रेस के दो तीन स्टिकर चिपके हुए कौंग्रेस इधर उधर वो, वो एक था <laughs> बीजेपी के थोड़े बहुत फ्लैग दिखे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे फ्लैग दिखे कांग्रेस का ही नहीं छोड़ दी है मेरी लड़ाई सिर्फ बाग से लड़ना है कल सुबह सुभाष चोपड़ा ने टीवी के कार्यक्रम में था और वहां उन्होंने दस बार कहा कि मैं शाहीन बाग की महिलाओं को शीश नवा रहा हूं मैं रात भर वहाँ रहता हूं मैं बहत्तर साल का आदमी हूँ पचास साल पहले छात्र संघ अध्यक्ष था तो मैंने वही सोचा कि बयालीस साल वाला पैंतालीस साल वाला भी थोड़ा छात्र हो गया होता तो शायद कांग्रेस की ठीक हो जाए यही बात जो है ना ये जो बात कह रहे हैं यही बात आम आदमी पार्टी करना नहीं चाहती नहीं चाहती उनको उनको शाहीन बाग के साथ खुद को है है। खुद को रिलेट नहीं करवा रहा है क्योंकि उससे उन्हें ये डर है, है कि हिंदू मुस्लिम हो, हो जाए तो अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल अगर आप देखें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के अगर आप देखे जगन तो ये जो सारे लीडर्स या इवन शरद पवार ये जो सारे लीडर्स हैं ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में बीजेपी के साथ रह रहे हैं और स्टेट में उनको अपोज कर रहे हैं तो ये सभी जो रीजनल दल है उनके पॉलिटिक्स में ये बड़ा बदलाव आया इवन ओडिशा के चीफ मिनिस्टर शरद पवार ने वगैरह बीजेपी के साथ कई बार वोटिंग किया पार्लियामेंट में महाराष्ट्र में जम के विरोध किया तो केजरीवाल भी यही कर रहा है तो ये देखिए ये तो रणनीति की बात होगी और कोई भी पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के हिसाब से अपनी, अपनी रणनीति बनाती है लेकिन एक चीज़ है एक तो एक तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और एक पोस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ में आप अटके रहेंगे अभी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ही अटके रहेंगे कम से कम अरविंद केजरीवाल का पूरा कैंपेन इस बात पर तो है कि मैंने इस इस शहर में स्कूल बनाया है तो उसके नाम पर मैं वोट मांग लेता हूँ मैंने इस शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है तो मैं उसके नाम पर वोट मांग लेता हूँ पोस्ट आइडेंटिटी अल्टीमेटली सोसाइटी या बाकी जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है या हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो आगे कहाँ से बढ़ेगा मतलब आप हर इलेक्शन में घूम फिर के हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करेंगे लेकिन उसकी कितनी सीमा ठीक है भारतीय जनता पार्टी को उसका फल मिल रहा होगा पर सर वो वही है ना कि अगर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करोगे इसमें दो पहलू है एक तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना ईजी है क्योंकि वो आपके बेस इंस्टिक्ट बेस इंस्टिंग जो है कि आपकी जो पर्सनली आप जैसे बड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान उसको, है। उसको अपील करता है तो वो करना इजी भी है और वो अपील करना वो भाषा में लाना या फिर टैग करना लेबल करना वो बहुत इजी हो जाता है और जो डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो करना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जैसे एक तो आप बोल रहे हो कि स्कूल्स पे वो कर रहे हैं अगर आपने टाइम्स नाउ का इंटरव्यू देखा तो वो एक पार्ट था जहाँ पे वो शाहीन बाग की बात करें वो कुछ दस मिनट का था पर जो पचास मिनट का बाकी का इंटरव्यू था वहाँ पर एक्चुअली राहुल शिवशंकर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने बोला कि आपने इतना प्रॉमिस किया था आपने ये नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जवाब देते नहीं किया मैंने इतना इतना किया उसमें से और पाँच साल दे दीजिए मैं पूरा कर लूँगा और ऐसी तरह की जो रेयर है बहुत आजकल जो आ, जर्नलिस्ट जो पूछते हैं पोलिटिशन्स क्योंकि आपने ये मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था उसमें से आपने कितना पूरा किया पूरा नहीं किया और फिर पॉलिटिशियन बोलता है नहीं किया मैं मानता हूँ मैंने नहीं किया पर मेरी कोशिश जारी रहेगी इसमें से मेरे ये थर्टी परसेंट काम हो गया है पचास परसेंट काम हो गया है और क्यों हुआ है क्या हुआ है उस पर आंसर करेगा ये ऐसी ऐसी तरह की पॉलिटिक्स आजकल बिल्कुल देखने को मिल नहीं रहे और वो बहुत दर्दनाक बात है नहीं मैं इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो तब तो इस देश में और शायद दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि लगातार दो बार डेवलपमेंट पे चुनकर कोई इतने बड़े मैंडेट से सरकार आई जो नरेंद्र मोदी की नहीं बहुत नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट अतुल जी बात पूरी होने दीजिए अब जब आप ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने स्कूल बना दिए इतने स्कूल बना दिए इतने स्कूल बना दिए मैं नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ उसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा इसी नाम पर सारे के सारे चुनाव लड़े और जहां आप रणनीति की बात कर रहे हैं बड़ी आसानी से मीडिया वाले भूल जाते हैं अशोक चौहान कह दें कि अरे भाई हम मुसलमानों से पूछ के हमने समझौता कर लिया शरद पवार ओ माइनॉरिटी इस मोर्चा में अलग अलग जाके बोले कोई बात नहीं देखो ये तो बाहर हो गए ना सत्ता बदलाव हो गया ना शिवसेना से मिल जाएंगे ऐसे हम लोग अगर आंख मूंद कर इस तरह से अरविंद केजरीवाल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पूरे के पूरे जहां जाते हैं पूरी की पूरी मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करते हैं उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी इस कदर है कि अमाना अमानतुल्ला खां अकेला प्रतिनिधि है

अब इसके बाद आप कहेंगे कम्युनल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही फिर से मैं बता रहा हूं। एक इसमें हाँ। सिर्फ ऐड करना चाहूंगा देशद्रोही कौन है नहीं है वो तो बाद में कोर्ट, कोर्ट तय करेगी कर देशद्रोह का कॉन्सेप्ट भी क्या है उसके ऊपर एक घंटे एक के और चर्चा के सिर्फ मैं इतना कांग्रेस आपने कांग्रेस आपने कांग्रेस की बात कही तो कांग्रेस ने बिल्कुल कई बार कई जगह पे माइनॉरिटी अपीजमेंट किया है, किया है हाँ। अरविंद केजरीवाल क्या नहीं कर रहे हैं वो पॉकेट्स में कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस या फिर एनसीपी शरद पवार की आपने बात की इन दलों में और भाजपा शिवसेना और एमआईएम जैसे दलों में फर्क ये है कि ये खुल्लम खुल्ला बात करते हैं मतलब कांग्रेस जो है कांग्रेस सब कुछ करता है उसकी बात नहीं करता है वो चुपचाप कर देता है मतलब अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश मतलब शाहबानो वगैरह तो सबको पता है अब उसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट पाने के लिए कुछ चीजें की है सिर्फ उन्होंने खुल्लम खुल्ला वो बात नहीं की है बीजेपी ओपनली बोल देता है टुकड़े टुकड़े गैंग शिवसेना बोल देता है एमआईएम बोल आज देता आज तक नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का है लेकिन वो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और जितनी योजनाएं हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक आप बताइए बिल्कुल तो ठीक कहा था न्यूज लॉन्डी के दर्शक खोज हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है कहा था उन्होंने इसमें ये तो ऑन रिकॉर्ड है इसको कौन इनकार कर सकता है मैं कर, बस आ, दो दो चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे करेक्ट करके फिर हम अपनी आज चर्चा को रोकेंगे क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है एक तो ये कि दो चुनाव नहीं विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से 2014 का चुनाव विकास और इस सबके नाम पे सबका साथ विकास के नाम पर आए थे और उसको मैंडेट मिला था लेकिन जिसको भी याद हो 2019 का अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है वो याद कर सकता पूरा का पूरा चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट पुलवामा इन सब भयानक पंद्रह मिनट इससे ज्यादा हर मंच पे इससे ज्यादा दिखा देंगे सारे इससे ज़्यादा दिखा देंगे तो हम लोग उसी भाषण के साथ दोबारा बहस करेंगे तो ये ये सारी चीज़ें हैं और इसके आ, मुझे लगता है कि हम आज की चर्चा को रोकेंगे इसके पहले आ, निश्चित रूप से ये जो नरेंद्र यही तो चल रहा है और यही इस समय की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही जो बंटवारे होते हैं वो इतने साफ स्पष्ट हो जाते हैं कि ये पूरा जो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है आप इस देश में किसी और नेता का नाम ले लीजिए इतने साफ़ बंटवारे आपको नहीं मिलेंगे इतने साफ पाले खींचे नहीं मिलेंगे जो नरेंद्र मोदी के नाम पे होते हैं यही उस पूरे चरित्र को उनके कैरेक्टर को और हमारे पूरे समाज के समय को दो मिनट में एक सीधी लाइन में साफ़ कर देता है कि कितने बंटवारे और विघटनकारी उनका व्यक्तित्व है आ, हमारा आ, इस चर्चा में इस पर मुझे ऐतराज़ है तुल्य मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को और जब आप ये कह रहे हैं तो ऐसे विघटनकारी व्यक्ति तो मैं कह तो रहा हूं ना आप अरविंद केजरीवाल पे क्यों किनारे नहीं, कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल वो नहीं कहता कि कपड़े से पहचान लीजिए आप लोगों को इतनी छोटी बात इस देश का प्रधानमंत्री कह कह कहता है नहीं होना चाहिए आप किसी को भी दीवार की तरफ मत धकेलिए अरे भाई ये नहीं होना चाहिए कर रही हैं और उनके खिलाफ हमें स्वस्थ पत्रकारिता में खड़े होना चाहिए एक को टारगेटिंग करना ये गलत है खतरनाक प्रधानमंत्री है हमारे नहीं एक देश के पद प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान रहा है इस देश को इससे छोटी क्या बात हो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे

कारी कहते हैं। तो हम कारी कहते सोचें हैं। कि क्या अरविंद केजरीवाल विघटन नहीं कर रहे हैं क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी एक, एक बयान दे दीजिए पे जो उन्होंने कहा हो कि भाई हिंदू मुसलमानों कपड़े से पहचान मैंने, लो। मैंने अभी आपको दो उदाहरण बताए दो बड़ी पार्टियों के सहयोग से आप चूँकि महाराष्ट्र से ही अशोक चौहान और शरद पवार का मैंने उदाहरण बताया एक

वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए मनमोहन सिंह के जो सपोर्टर्स थे उनके सामने जाकर आप मनमोहन सिंह को गाली भी दे दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, था ऐसे था। कोई उनके सपोर्टर्स थे ही नहीं <laughs> हार्ट पर मन, जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स है दे, दे, मतलब नरेंद्र मोदी का पर्सनालिटी भी ऐसा है उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आ, strong उनके, supporters. उन, उनके उनके स्ट्रांग सपोर्टर्स है बट एट द सेम टाइम उसकी रिएक्शन ये आती है कि जो उनके उनके ओपोनेंट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं तो इस मतलब अगर आप उसे विघटनकारी कहना चाहे या ना चाहे मैं उसको ऐसे देखता हूं एक, observer, आ, आप बीच में नहीं रह सकते नरेंद्र मोदी के बारे में मैं यही आप, तो कर, आप, ये, आप, आप ये तो आप आप नरेंद्र, नरेंद्र मोदी एक मतलब तो पसंद है। और लोग चूंकि तुलना गलत कर रहे हैं आप कहिए ना कि गांधी परिवार आप बताइए चमचे दरबारियों की पूरी फौज है बिल्कुल है आप जरा बोलिए गांधी परिवार के खिलाफ दौड़ा लेगा उसका समर्थक जो है इसीलिए हाँ ये हाँ, ये आप मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं कर सकते सुविधा से बिल्कुल नहीं इसको सुनाएंगे सारा कुछ आने डिटेल जाएगा दर्शक एक एक बात सुनेगा मैं तो कुछ ऐसा बोलूंगा ही नहीं जो आप उस तरह से बात कर रहे हैं मैं एक एक लाइन सोच के बोल रहा हूँ और जब आप कहते हैं विभाजक इस देश का कोई भी नेता जो थोड़ी सी विभाजक बात कर रहा है वो गलत है लेकिन सुविधा के लिहाज से किसी की विभाजक बात को छोड़ देना सुविधा के लिहाज से किसी ना? को

तो ये बात कहनी पड़ेगी हमें कि कम्युनल पॉलिटिक्स देश की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वो खतरनाक है और हमें सेलेक्टिव होने से बचना चाहिए चलिए ठीक है आ, कुछ और आप नहीं कुछ मेरा कहना है? मेरा बस यही कहना है कि हाँ। अभी हमारे प्राइम <laughs> 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 हाँ मैं नहीं बोलूंगा मेरी टिप्पणी पूरी हो चुकी है <laughs> मैं लास्ट वर्ड दूंगा अभी। <laughs> 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 सर आ, मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी जब ऐसी बयानबाजी करते हैं तो प्रॉब्लम है ठीक है चलो कंपेयर भी करते हैं तो पास्ट में भी ये दिया गया था एक्सेट्रा वो ठीक है दिया था वो भी गलत थे बट अभी जो इस समय हो रहा है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कंसर्निंग है कंसर्निंग है क्योंकि फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज मोर कंसर्निंग बिकॉज दिस मैन इज इन पावर बट बट मेक ना ये बिल्कुल <laughs> <आ, laughs> अगर हम देखें तो एनडीए टू की जो गवर्नमेंट है उसमें मनमोहन सिंह बहुत कम बात करते हैं आ, बात वो करते है? में काम करता हूं और मेरे यहाँ एजेंसी फीड्स आते रहते हैं तो हर रोज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भाषण कर रहे होते अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण सुनेंगे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं स्वच्छ भारत के बारे में बात करते हैं वो बेटी पढ़ाओ बेटी के बारे में बात करते हैं वो कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में में बात करने से बचते हैं वो सारी चीजें अब अमित शाह करते हैं तो अगर आप नरेंद्र मोदी के अगर आप कोई बयान ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बस आखिरी बात से कि जिस तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने मेंबरशिप ड्राइव को आउटसोर्स कर रखा है इस समय अमित शाह को वैसे ही मोदी जी ने भी अपने बयान आउटसोर्स कर दिए

तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जिसको आप लोग सोशल कह रहे हैं कम्युनल कह रहे हैं सी ए कहा जा रहा है नागरिकता शाहीन बाग दिल्ली विधानसभा चुनाव देश विभाजन और इस सब को ले जाके कहाँ घुमा के पहुंचाया जाता है कि संघ सब कुछ करता है कोई भी हो सबसे संग पहला संग बयान तो नाम भी आज नहीं, नहीं आगे आगे आज आगे नहीं आया तो आप फिर कहेंगे लेकिन इसीलिए आज मेरा जो रिकमेंडेशन है क्योंकि हाँ। तो मैं भी वो किताब पढ़ रहा हूँ सुनील अंबेकर जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे अभी वो संघ में वापस चले गए हैं मार्च में प्रतिनिधि सभा होगी तो नई जिम्मेदारी मिली तो अभी किसी जिम्मेदारी में वो नहीं है लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है द आर एस एस रोड मैप फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मुझे लगता है कि वो सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि कोई दूसरा बताए कोई कुछ कहे कोई राय बनाए वो तो सेकेंड हैंड हुआ मेरे ख्याल इंटरव्यू भी किया जो इन हाउस है यानी इनसाइडर व्यू जिसको कहते हैं तो अगर संघ के एक प्रचारक इतने बड़े प्रचारक वो लिख रहे हैं तो वो किताब मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर पढ़ना चाहिए आज के समय में जब कहा जाता है कि संघ इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगा हुआ है आशीष आपका रिकमेंडेशन थोड़ा वियर्ड है हाँ। और, <laughs> <laughs> और मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूं वो थोड़ा सा वियर्ड है आज जो हमने पूरी बात की वो ज्यादातर डिविजन के ऊपर थी तो ये डिविजन हमारे दिमाग में कैसे आता है ये मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं आपको तो जानता हूँ लेकिन मतलब पर्सनली जानता हूँ लेकिन आप दूसरी जाति के हैं दूसरे मजहब के हैं दूसरे देश के हैं तो मुझे आप अचानक शत्रु लगने लगते पराए हैं पराए पराए लगते हैं ऐसा क्यों होता है या फिर ये ये महाराष्ट्र से है तो ये तुरंत मुझे अपना क्यों लगने लगता है तो ऐसा क्यों होता है ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और मैंने अभी हाल ही में सेपियंस नाम की किताब पढ़ी और मैंने काफी लेट पढ़ी वैसे वो अब शायद हिंदी में भी है उसका भी है। उसका, उसका संस्करण सभी भाषाओं में हो गया है इंडियन लैंग्वेजेस में भी हो गया है नोआ हरारी की वो किताब है।, है और उसमें हमें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन मिलता है कि जब से हम मानव बने तब से हम बैंड्स में रह रहे थे ग्रुप्स में रह रहे थे 25, 27 के ग्रुप्स में रह रहे थे और दूसरे ग्रुप का कोई अगर हमें बंदर मिल जाए जब हम मतलब मानव भी नहीं थे हम एप हुँ। मतलब हुँ। थे तब से अगर दूसरे बैंड का कोई आ जाए तो हम उसको मारने की कोशिश करते थे और मेरे बैंड का कोई है तो उसके लिए मैं अपनी खुद की जान दे दूंगा तो ये हमारे जो इवोल्यूशनरी इंस्टिंग है वो आज भी हमें कायम है तो वो कैसे कायम है वो देखने के लिए वो जानने के लिए ये किताब जरूर पढ़े Hmm. अच्छी किताब बढ़िया ना रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन uh. है आपका एक्चुअली मैंने ये एक किताब बहुत पहले पढ़ी थी और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि मैं उसकी दूसरी किताब भी फिर रिकमेंड करना चाहूँगा होमो ड्यम और एक तीसरी भी किताब है ट्वेंटी वन क्वेश्चन फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो वो तीनों में पढ़ चुका हूँ वो ट्वेंटी फर्स्ट hmm. जो तीसरी किताब है उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात किया और दूसरे इसमें भी टच किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम दौर से गुजर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे Uh, uh, हमारे बेसिकली डेमोक्रेसी को अफेक्ट करेगा और आगे जाके uh, uh, कैसे डिसीजन मेकिंग होगा बिग डेटा का यूज़ कैसे होगा वो बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक मिक्सचर होगा और जब भी होगा जो जल्दी होगा वो उसके बारे में बात करते हो तो, तो वो एक रिकमेंडेशन जस्ट लगे हाथ दे देता हो <laughs> 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 uh, <laughs> uh, बाकी के दो एक्चुअली थोड़े से वियर्ड है मेरे भी रेकमेंडेशन बट लास्ट टाइम जब uh, हमने हफ्ता कि चर्चा किया था तो उसमें लोगों ने नोटिस किया कि मेरा गेमिंग लैपटॉप है हुँ. तो वो कि कौन से गेम खेलते हो तो मैं बता रहा हूँ <laughs> like, uh, मैं अभी एक गेम खेल रहा हूँ वर्कर्स एंड रिसोर्सेस नाम का uh, वो एक सोवियत यूनियन ऑफ नाइनटीन सेवेंटीज पे बेस्ड है कि जो भी आदमी आपके यहाँ पे सेटल होने आता है वो वर्कर है या फिर यूजलेस है <laughs> तो वो पूरे एक बहुत इंट्रिकेट सिटी सिस्टम बनाने के ऊपर है और रिसोर्सेज uh, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के ऊपर है और फिर आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो कैसे बनता है कि आप अगर सोवियत कंट्रीज से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा है अगर आप कोई और कंट्री से कर रहे हो तो सब कुछ बुरा है <laughs> आपका सब uh, गिर जाएगा और लोग एस्केप कर लेंगे तो hmm. वो एक रिकमेंड कर रहा हूँ मैं गेम और एक तीसरा है जो अगेन थोड़ा सा अजीब है

ट्रिमेंडस quantities में खाना बनाती है मतलब एकदम तो बहुत ज्यादा खाना तो बनाती है तो तो और, फिर बच्चों में बांट देती है हाँ। तो प्लीज वो एक चैनल देख लीजिए वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि उसको पैसे कहाँ से आते हैं और वो क्यों करती है और वो है कौन तो किसी को पता होगा तो प्लीज बता तो हो सकता है हो सकता है कोई जैसे ऑर्फेन से, आर्फन, से होते हैं ना सेंटर उस तरह के वो वो मोटिवेशन इतना मतलब वो खाना बनाना बहुत तो Mind मेरा मेरा दो रिकमेंडेशन है चूँकि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है तो इस पर एक मेरा रिकमेंडेशन है न्यूज़ लॉन्ड्री की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है गांधी जी सदा के लिए तो एक तो वो डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड कर रहा हूँ और दूसरा ये जो पूरा कुणाल कामरा वाला पूरा प्रकरण हुआ है इस पर हमारे यहाँ अभिनंदन शेखरी ने एक लेख लिखा है काफ़ी विस्तार से लिखा है उसका टाइटल है कुणाल कामरा एम्बिंग अर्नब गोस्वामी इज वर्ट जर्नलिस्ट हैव ऑलवेज रन तो उसमें बहुत एक एक लॉजिकल तरीके से तमाम चीज़ों से तमाम परिस्थितियों से जोड़ते हुए इस पूरी घटना वाक़े को सामने रखा गया तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको भी पढ़ें और उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले अपील ज़रूर आप लोगों से कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम आपके सामने वो तमाम ख़बरें वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और पॉडकास्ट या वीडियो लेकर आएंगे जो कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ देखते हैं और वो सब के सब आप ही के समर्थन से चलता है क्योंकि हम कोई विज्ञापन या किसी तरह का ना सरकार का ना कॉरपोरेशन का लेते नहीं हैं वो आप ही के भरोसे है न्यूज़ लॉन्ड्री तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ लॉन्ड्री को आप लोग सब्सक्राइब करें और आप सभी लोगों का इस बार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग थैंक यू